हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हरप्पन साइट्स। हरप्पन साइट से कहने का मतलब ये है कि मैच्योर हरप्पा साइट्स, ठीक है? तो आप इसको मैच्योर हरप्पा साइट्स भी कह सकते हो। तो अभी पूछ जाए मैच्योर हरप्पा साइट्स क्या है, तो या हरप्पा साइट्स भी लिखी हूँ। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। या तो हरप्पा साइट लिखा हुआ आ सकता है, जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस मैं ये बस समझाना चाहता हूँ कि हरप्पा साइट्स हो, मैच्योर हरप्पा साइट्स हो, या इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हो, ये वाली जो साइट्स हैं सब में आएंगी, ठीक है? उसके बाद काफी बार ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिख देते हैं, क्योंकि देखिए अब पेपर जो है मैच्योर होता जा रहा है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज साइट्स करके लिख देते हैं, ठीक है? कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ब्रॉन्ज तो हरप्पा साइट्स में मिलता था, ठीक है? चैल्कोलिथिक में तो मिलता नहीं था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक इन सब में मिलता नहीं था। ब्रॉन्ज साइट जो है वो हरप्पन साइट्स ही होंगे, ठीक है? तो उसमें भी हम कोई डाउट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिगिन करते हैं इसे। आप लेक्चर को प्लीज लाइक करना ना भूलें, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। और एक बार आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अगर करें इसमें कुछ चेंजेस अगर हम करें, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स में पहले लिख लें कि हरप्पा साइट्स आखिर होती क्या क्या है। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि साइट्स में क्या क्या लिखना है, ठीक है? हरप्पा साइट्स होती क्या है एक बार थोड़ा सोच लीजिए या कहीं लिख लीजिए। लिखना हमेशा यूपीएससी वालों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है? बिगिन करते हैं। अगेन पॉइंट वही रहेगा मेरा, मेन साइट बताऊंगा। अफगानिस्तान से शुरू कर रहा हूं मैं। हमने मुंडीगढ़ देखी थी लास्ट लेक्चर में, साइट आई होप आप सबको याद हो। एक साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा बार, ठीक है? ये साइट एक ही है यहाँ पर मेन, ठीक है? इसको वन कह देते हैं हम। और वन इज क्या लगता है, कौन सी होगी? अफगानिस्तान में एक ही साइट है, शॉर्टू गई। यहाँ पर एक चेक पोस्ट टाइप का था, जब ट्रेड वगैरह करते थे तो यहीं से करते थे। ट्रेड किससे? वेस्ट एशिया से, मेसोपोटामिया से, लैंड रूट से जो ट्रेड होती थी वो शॉर्टू गई से ही होती थी, ठीक है? अफगानिस्तान की एक साइट है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी प्रोमिनेंट है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट जो यहाँ पर आ जाती है, आप सबको तो पता ही होगी, टू नंबर। क्या लगता है कौन सी होगी? टू नंबर, टू है हरप्पा, है ना? हरप्पा इसी के बेस पे पूरे सिटीज बने हैं। अर्ली साइट भी थी ये, मैच्योर साइट भी है। नोटिस करेंगे आप, अगर आपकी तरीके से एक अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं आप, एक चीज नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि साइट जो है ना अब ईस्ट में शिफ्ट हो रही है। ईस्ट में मतलब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, वेस्ट की तरफ आपको साइट थोड़ी कम मिलेंगी, मतलब पाकिस्तान की तरफ आपको साइट थोड़ी कम मिलेंगी। ये चीज आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, कभी कभी कंपैरिजन पूछ लेते हैं मैच्योर हरप्पा साइट्स और लेट हरप्पा साइट्स में। थ्री नंबर पे क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मूवी भी आ चुकी है। इन सबको तो गलत बिल्कुल करना ही मत, इन सबको अगर गलत कर रहे हो तो फिर क्या ही सिलेक्शन होगा, है ना? तो इन सब में कोई गलती नहीं कर जाओ। क्या होता है कि दिमाग एग्जाम में थोड़ा ज्यादा चलता है और एग्जाम में आप को डिजी मार्क करके आ जाओ थ्री को, ज्यादा सोच के डाउट ही नहीं होना चाहिए। इधर दे रखा है आसपास, इधर दे रखा है हरप्पा मोहनजोदड़ो, आंखें बंद करके माफ करो। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नेक्स्ट साइट जो है ये कौन सी है। ये थोड़ी सी नीचे है इसकी तरफ, देखिए जो लाइन जा रही है ना, जहाँ ये वाली लाइन जो है इसके नीचे अगर आ रहा है कभी भी साइट, और थोड़ा ज्यादा ही नीचे आएगा वो, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइट है, यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह भी मिली है। कौन सी होगी? अजीब से नाम है इसका भी थोड़ा, चानूदारो, जब आप पहली बार पढ़ते हो, लेकिन जो बार बार पढ़ रहा है उनके लिए तो ये फैमिलियर नेम होना चाहिए, चानूदारो। पाकिस्तान में ही है, ठीक है? ये चानूदारो हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक साइट देखते हैं जो बड़ी कश्मीर में है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर है, पांच नंबर। इस साइट का नाम है टॉप मोस्ट साइट है, ठीक है? इससे ऊपर नहीं मिलता आपको कुछ। हाँ, शॉर्टुगाई तो वेस्ट में बोला जाता है, ठीक है? शॉर्टुगाई ऊपर है लेकिन वेस्ट में इसको मंदा बोलते हैं, काफी लोग इसे अखनूर भी बोलते हैं। आप मंदा याद कर लो, ठीक है? आप मंदा याद कर लो, अखनूर भी है। अखनूर अपने नोट्स में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ लोग अखनूर सुनिए तो उसके लिए अखनूर भी लिखते हैं, लेकिन आप मंदा याद कर लो इसका, ठीक है? और कुछ याद मत करना इसका मंदा। अभी मैं इस रीजन में, चलिए एक काम करते हैं, इस रीजन को पहले पढ़ ही देखते हैं, वरना मैं इस रीजन को पहले थोड़ा बाद में करवाना चाह रहा था। सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है, सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है तो यहां पर है। सीधी लाइन ड्रॉ करोगे अगर आप यहां से, अगर आप तो सीधी लाइन कहां से ड्रॉ करोगे? फ्रॉम बॉटम पार्ट ऑफ द इंडिया। वन सेकंड प्लीज,
यहां से अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके थोड़ा सा राइट में ही आएगी ये, ठीक है, उसके थोड़ा राइट में आएगी ये वाली साइट, और ये वाली जो साइट है 6 नंबर पे इसको कहते थे, और इसका नाम है क्या लगता है, ईस्टर्न मोस्ट साइट भी कहा जाता है इसे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और इसको मैं टिक मार रहा हूँ, टिक मैंने नहीं मारे इस लेक्चर में, टिक मार देते हैं, तो आप देख रहे होंगे मैंने सब पे टिक मार दिया। और हरप्पन साइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता ही रहता है यूपीएससी बार 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 पूछेगा, तो अब है ही इंपॉर्टेंट तो क्या कर सकते हैं ना, जब है इंपॉर्टेंट तो है अब क्या कर सकते हैं, राइट। अब अगर ये जो लाइन अगर आपने ड्रॉ करी इसके थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहा है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा, राइट में आ रहा है आलमगीरपुर, लेफ्ट में आ रहा है तो क्या करोगे, बड़ी पॉपुलर साइट है, लार्जेस्ट साइट भी बोला जाता है, हिसार में है, कौन सी होगी, क्या लगता है, हिसार में वैसे एक दो साइट्स और भी हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा और कुछ हिसार वाली बताऊंगा ही नहीं यहाँ पे, इसे कंफ्यूजन ना रहा है, इसको राखी गरी बोलते हैं, करी थी ना लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस, राखी गरी, ठीक है, राखी गरी। 8 नंबर पे आ जाते हैं, 8 नंबर पे पंजाब की साइड देख लेते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटेड ग्रेवियर साइड भी है ना, अगर ऊपर आ रही है, देखिए ऊपर अगर आ रही है ना, आपको ऊपर देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ कहीं अगर आ रही है आपकी, या थोड़ा सा लेफ्ट में भी बन सकती है ये, लेकिन ऊपर आएगी, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन के ऊपर ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर ही आएगी, तो 8 नंबर पे जो साइट आएगी ये रोपर है, पंजाब में है, बड़ी पॉपुलर जगह पर है। रूपनगर सुना हो शायद किसी ने, कोई बात नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए अब, तो वहां पर है। तो ये हमारी थोड़ी सी साइट्स हो गई इंपॉर्टेंट सी। अब एक साइट मैं और बता दूं, इसको मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है ही इंपॉर्टेंट, अब क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे सब में टिक मार रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी इसको, थोड़ा सा टफ हो जाता है इसी रीजन में जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, और जब फाइनल पेपर हमारे सामने आता है तो हमें और टफ लगने लग जाता है। अब ये जो देखिए, ये जो नेपाल की बाउंड्री है इसके ऊपर ही आपको दिखेगी एक और साइड, यहाँ पर 9 नंबर, और इसको कालीबंगन कहेंगे, कालीबंगन सुनी होगी आप सबने, कालीबंगन, धोलावीरा से कंफ्यूज मत कर जाना इसे, मैं काफी बार जब पढ़ता था धोलावीरा से इसे कंफ्यूज कर जाता था, क्यों, क्योंकि कभी कभी दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें तो निकलती नहीं है, जबकि धोलावीरा तो है ही बहुत दूर, कंफ्यूजन लेकिन तब भी हो जाता है, एनीवेज कोई बात नहीं। इसी के देखिए लेफ्ट में एक और साइट आती है यहाँ कहीं पे, तो मैं इसको 10 नंबर मार्क कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इसको ड्रॉ नहीं करना तो भी चलेगा, लेकिन सिंस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कर रहा हूँ, ये आती भी नोट्स में बहुत है, ये बनावली है। मेरा आपसे एक और सजेशन है कि बनावली राखी गरी को आप थोड़ा सा और सर्च करके थोड़ा अच्छे से आइडेंटिफाई करें अपने तरीके से, इसमें मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, मेरे को तो अगर पूछा जाए मैं तो राखी गरी मार्क करके आ जाऊंगा उसे, क्योंकि राखी गरी और बनावली दोनों पास पास ही है। हाँ, आलमगीरपुर राखी गरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कालीबंगन देखिए राजस्थान में उस तरफ जा रही है, रोपड़ ऊपर जा रही है, लेकिन ये राखी गरी और बनावल ऊपर नीचे है। ऐसी एक और साइट है भिराना, मैं बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन पड़ जाता है, और मेरे को नहीं लगता कि भिराना इतनी इंपॉर्टेंट साइट है, अगर कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन राखी गरी एंड भिराना तो भिराना तो राखी गरी ही जीतेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ इंडिया, अब आते हैं नीचे, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हटाने की कोशिश करेंगे लेकिन देखते हैं कितना कर पाते हैं। देखिए सबसे लेफ्ट में अगर यहाँ पे आ रही है, सबसे लेफ्ट में अगर यहाँ पे आ रही है, सबसे लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और लेक्चर को भी शायद फिर से देखना पड़े आपको, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। ये देसालपुर है, देसालपुर, काफी लोग इसे धोलावीरा कह देंगे लेकिन धोलावीरा नहीं है, धोलावीरा थोड़ा ना यहाँ पर है, यहां पर धोलावीरा आती है, 12 नंबर धोलावीरा, धोलावीरा, ये कंफ्यूजन करने वाली है चीजें, इसको टिक मार रहा हूँ, इसको टिक मार रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग पूछी जाती है। फिर एक और साइट है जो लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, जहाँ हॉर्स के रिमेन्स भी मिले हैं, एनसीआरटी में दे रखा है, एनसीआरटी कौन सी, आर एस शर्मा वाली, 13 नंबर, क्या लगता है कौन सी होगी, सुरकोटाडा, लास्ट लेक्चर में भी सेम डिस्क्रिप्शन दिया था, सुरकोटाडा, अगेन टिक मार्क हो रहा है, अब आप बोलोगे सब पे टिक हो रहा है, इस लेक्चर में ऐसे ही होगा, थोड़ा सा टफ लेक्चर है। अच्छी बात यह कि हम ये हरप्पन साइट्स बार बार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लोग काफी मेहनत करते हैं हरप्पा में, तो ये अच्छी चीज हो जाती है, इसलिए साइट्स में कंफ्यूजन नहीं होता। ये रोजदी है गुजरात में, ठीक है, ये रोजदी हो गई। अब थोड़ा सा और मामला ट्रिकी हो जाएगा, देखिए यहां पर अगर दे रखा है ना ये, तो 15 नंबर की साइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ डोकयार्ड भी मिला है, लोथल, लोथल वेरी इंपॉर्टेंट साइट, टिक,
रोशदीप नहीं मार रहा, लेकिन रोशदीप भी इंपॉर्टेंट है, बस मैं इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टिक मार चुका हूँ इस लेक्चर में, कुछ बच ही नहीं रहा, वरना रोशदीप पे भी मैं तो वैसे टिक मार ही दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें डाउट नहीं। एक और साइड यहाँ पे चैल्कोलिथिक साइड थी, चैल्कोलिथिक साइड भी है, यहाँ पर देखा होगा आपने चैल्कोलिथिक लेक्चर 16 नंबर, चैल्कोलिथिक साइड कौन सी लगती है, क्या होगी, रंगपुर, रंगपुर, काफी लोग प्रभास पतन भी आता है आसपास, उसको भी बोलते हैं हरप्पा साइड, लेकिन मैं वो नहीं करा रहा। फिर लास्ट बॉटम मोस्ट साइड रंगपुर पे टिक मार रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहीं आती है मुंबई, देखिए ये है उससे बहुत ऊपर है, सूरत के आसपास है ये भाग, ये जो आएगी अभी ये आएगी 17 नंबर पे, इसको बोलते हैं भाग तरफ, भाग तरफ, या ऐसे कर लो भाग बी ए, भाग बी एच ए जी ए तरफ, टी आर ए वी, ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट साइड, भाग तरफ पे टिक मारने की जरूरत नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली देखिए मैं रोशनी पे भी टिक मार रहा हूँ क्योंकि पूछी गई है, ठीक है, पूछी गई है इंपॉर्टेंट, तो इस साइड में आपने देखा होगा मैंने मंदा बनावली और भाग तरफ को छोड़ के सब पे टिक मार दिया, तो आप समझ ही सकते हो इस लेक्चर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें, डिस्क्रिप्शन आप बार बार चेक करते रहें, जो भी अपडेट्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूंगा। अगर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि कुछ साइट्स और भी ऐड करनी है तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे जैसे यूपीएससी चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए लेक्चर को एक बार आप स्लो में देखें, नेक्स्ट टाइम में आप 1.5 में चला के देख लें, फिर से 1.5 में चला के देख लें, जिससे आपको ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए और अपने मैप में भी ड्रॉ कर लें। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, मैंने जितना सिंपल हो सकता था उससे उतने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब करने में प्लीज हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल के सब्सक्राइबर बनाने में हेल्प करें, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, थैंक यू।